कुलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः नारायण। हृदय से सबको अभयदान देकर ही संन्यास आश्रम में प्रवेश होता है। इस दृष्टि से मैं सबके प्रति अपनत्व स्वाभाविक रूप से व्यक्त करता हूँ। किसी के अस्तित्व और आदर्श पर आघात करना मेरा लक्ष्य बिल्कुल नहीं है। मेरे जीवन की गुरु ग्रंथ और गोविंद की कृपा से प्रत्येक गतिविधि सबके हित में ही प्रयुक्त और विनियुक्त भी है। तथापि पद की दृष्टि से और स्वभाव की दृष्टि से कौलिक परंपरा से जो दायित्व प्राप्त है उसका निर्वाह ही उचित है। स्वतंत्रता विभाजन के बाद भारत को प्राप्त हुई। विभाजन के बाद स्वतंत्र भारत में सनातन शास्त्र सम्मत विधा से संविधान नहीं बनाया गया। सनातन वैदिक आर्य हिंदू अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा करते हुए अन्यों के हित में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग कर सकें, ऐसी योग्यता उनमें उत्पन्न हो, इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। धीरे धीरे शासन तंत्र ने उन्माद का परिचय दिया। किसी ने साधुओं का संगठन बनाकर एक राजनीतिक दल में धार्मिक आध्यात्मिक जगत का उपयोग और विनियोग करना उचित समझा। किसी प्रधानमंत्री ने स्वार्थ की सिद्धि के लिए पद की लोलुपता के वशीभूत होकर अदूरदर्शिता का परिचय देकर स्वयं को आस्तिक और विद्वान के रूप में भी ख्यापित कर आतंकवादी अराजक तत्व को मेरे विरोध में शंकराचार्य बनाकर घुमाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के जो धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से केंद्र या दुर्ग थे उनको भी शासन तंत्र ने निगल लिया, अपने हाथ में ले लिया। रेल आदि जितने प्रशस्त विभाग हैं केंद्रीय शासन तंत्र के अधीन या तो विश्व स्तर पर विदित तथ्य कि शासन तंत्र उनको संभालने में समर्थ नहीं रहा है न है, लेकिन धार्मिक जगत में भी उन्माद फैलाने का और आध्यात्मिक जगत को अत्यंत दूषित वशीभूत करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। शासन तंत्र से पोषित किसी व्यक्ति ने मर्यादा का उल्लंघन करके जगह जगह कुंभ मनाना प्रारंभ किया। शासन तंत्र की ओर से अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ घोषित कर दिया गया। एक उन्माद फैल गया है कि आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से कोई जानकारी हो या ना हो, लेकिन धार्मिक आध्यात्मिक नेतृत्व भी राजनेता चाहे केंद्रीय स्तर के हों या प्रांतीय स्तर के उनकी मुट्ठी के बाहर ना हो। ऐसी स्थिति में मैं एक संकेत करता हूँ, इस देश पर छलवल डंके की चोट से क्रिश्चियन तंत्र ने भी शासन किया है, मुगल तंत्र ने भी शासन किया है, हिंदुओं के प्रति उनकी प्रायः आस्था नहीं रही है,
हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श को विकृत तो विलुप्त करने के लिए ही उन्होंने अपनी मेधा शक्ति का अधिक उपयोग किया है, लेकिन वे अराजक तत्वों को शंकराचार्य के रूप में ख्यापित करने का साहस नहीं कर सके। साथ ही साथ धार्मिक जगत को दूषित कर अपनी मुट्ठी में लेने का प्रयास उन्होंने प्रायः नहीं किया। वो दूरदर्शी थे कि अगर हम अराजक तत्वों को शंकराचार्य जगत गुरुओं के रूप में घुमाना प्रारंभ करेंगे तो हमारे पादरी पीर पैगंबर ये सब भी अराजक सिद्ध होंगे, नकली बनेंगे। ऐसी स्थिति में मैं एक संकेत करना चाहता हूँ कि प्राप्त विभीषिका के माध्यम से क्या क्या संदेश प्राप्त हो रहा है, इस पर ध्यान केंद्रित करना माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों का, राष्ट्रपति महोदय का, राज्यपाल महोदय आदि का दायित्व सिद्ध होता है। मैं जानता हूँ कि प्रकृति जो बोलती है उसकी वाणी को परख पाने के लिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, दूरदर्शिता चाहिए, लेकिन जब नग्न भाषा में प्रकृति बोलने लगती है तो सामान्य व्यक्ति भी, जन सामान्य भी उसको समझने का प्रयास करता है, उसे क्यों भी समझ में आने लगता है। मैंने एक संकेत किया कि आप आर्थिक दृष्टि से ही विचार कीजिए, पूरे विश्व में आर्थिक क्रांति चल रही है ऐसा मानते हैं, लेकिन अर्थ के 3/4 स्रोत का ज्ञान तो भौतिकवादियों को है ही नहीं, क्योंकि अधिदैव में आस्था नहीं है, यज्ञ इत्यादि की दार्शनिकता वैज्ञानिकता का बोध नहीं है। अर्थ का 3/4 स्रोत तो भौतिकवादियों के हाथ में कभी रह नहीं सकता है। 1/4 जो स्रोत था, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ऊर्जा के जो स्रोत थे, आकाश, इन चारों स्रोतों को धारक के रूप में थे, छलवल डंके की चोट से आधुनिक विधा से, भौतिक विधा से देहात्म भाव भावित होकर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने के व्यामोह में उनको भी इतना विकृत कर चुके कि ये सब अर्थ के सारे स्रोत पर पानी फेर चुके हैं। ऐसी स्थिति में बोधयंता परस्परम, भावयंता परस्परम की दृष्टि से सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से यह विभीषिका द्रुत गति से किस प्रकार दूर हो, साथ ही साथ विभीषिका के दूर होने पर कम से कम भारत, नेपाल, भूटान, उसमें भी भारत भावी प्रकल्प को किस रूप में निर्धारित करे और क्रियान्वित करे ताकि भारत अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा कर सके और पूरे विश्व के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हो सके। अंत में मैंने संकेत किया था कुछ दिन पहले प्रकृति तिथि को मानती है, रविवार, सोमवार आदि दिनों को मानती है, चैत्र, वैशाख इत्यादि महीने को मानती है, भूकंप की बात भी मैंने कही, इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, समुद्र में ज्वार भाटे ये सब तिथि के अनुसार ही होते हैं, अंतरिक्ष यान भी तिथि के अनुसार ही सफल होता है। साथ ही साथ विवाह, यज्ञोपवीत आदि जितने संस्कार हैं वो तिथि के अनुसार अगर संपन्न हो तो हितप्रद होते हैं, अन्यथा मारक सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के माध्यम से विकास को सह सकती है प्रकृति, और महायंत्रों के माध्यम से विकास को प्रकृति नहीं सह सकती, या तो नग्न तथ्य अब सामने है। तो ये जो महान भाव हैं, जो स्वयं को भाग्य विधाता मानते हैं, कुछ ऐसे भी सामाजिक नेता हैं जो हिंदुओं का ठेकेदार अपने को मानते हैं, जबकि उन्हें एक भी धार्मिक ग्रंथ का ज्ञान नहीं है, और जो भी वो बोलते हैं आक्रोशपूर्वक उसमें कोई तथ्य नहीं है। ऐसी स्थिति में कहना चाहता हूँ कि आप प्रकृति को परखिए, प्रकृति का अध्ययन कीजिए, प्रकृति किस प्रकार के विकास को सहती है और सृष्टि की संरचना के पीछे, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह के पीछे कौन सा तथ्य, कौन सा दर्शन, कौन सा सिद्धांत क्रियान्वित है। वैज्ञानिक जगत से भी मैं बहुत ही अपनत्व पूर्वक, आस्था पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप विज्ञान की परिभाषा पहले उन्नत ढंग से उद्भाषित कीजिए, विज्ञान कहते किसे हैं, और उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह, ये जो पांच विज्ञान की धाराएँ हो सकती हैं, पाँच विज्ञान के कृत्य हो सकते हैं, उनके स्वरूप का निर्धारण कीजिए,
और वैज्ञानिक सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए जो स्रोत हैं पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक् काल अव्यक्त और भगवत तत्व या परमात्म तत्व उनके का भी ज्ञान प्राप्त कीजिए। साथ ही साथ सर्वथा विपरीत जो ज्ञान विज्ञान तमोगुण की प्रगल्भता में है उससे विज्ञान को और अपने आप को दूर करने का प्रयास कीजिए। अयथावत जो ज्ञान विज्ञान है उससे दूर रहने का प्रयास कीजिए। और दूध का दूध पानी का पानी विकास को विकास ह्रास को ह्रास के रूप में उद्भासित करने की जो सनातन विधा है विज्ञान के नाम पर कोई बवाल उत्पन्न ना हो विस्फोट ना हो इसलिए वैज्ञानिक जगत को भी संभल कर कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ दिशाहीन शासन तंत्र विज्ञान और वैज्ञानिकों का प्रयोगता न हो यह भी बहुत आवश्यक है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, न्यूटन आदि के समय भी कुछ समस्या थी, आज तो भयंकर समस्या है। जिस प्रकार धार्मिक जगत से संबद्ध व्यक्ति प्रायः लोभ भय भावुकता अविवेक के वशीभूत होकर शासन तंत्र के यंत्र बन जाते हैं, वैसे ही शासन तंत्र वैज्ञानिक जगत का भी क्लिष्ट उपयोग करता है। आप रूस आदि की ओर ध्यान दीजिए, जिसने गन बनाया, अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए देश की सुरक्षा के लिए जिसने गन का आविष्कार किया, उसके जीवन काल में ही कुछ वर्ष पहले उसने वक्तव्य भी दिया था, जो उसका दुरुपयोग हुआ क्लिष्ट उपयोग हुआ उससे वो रो पड़ा कि मुझे ऐसा मालूम पड़ता कि मेरे द्वारा आविष्कार किया हुआ है इस हथियार का इतना दुरुपयोग होगा तो मैं कभी भी इसका आविष्कार नहीं करता। इसका अर्थ क्या है? ये जो शासन तंत्र के द्वारा विभीषिका उत्पन्न करने के लिए वैज्ञानिक जगत का दुरुपयोग होता है, वैज्ञानिक जगत उससे बचने का प्रयास करें। नारायण हर हर महादेव।